हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर को एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन? अ क्वाड्रिलेटरल ABC एंड अराउंड द सर्कल, और हमें प्रूफ क्या करना है? AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। देन हमें क्या दिख रहा है? AP इज इक्वल्स टू AS। दिस इज AP इज इक्वल्स टू AS। ये एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ से देखिए, ये एक एंगल बनेगा टच करने पे। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ये टेंजेंट जो इस पे डले हैं, दोनों की लेंथ जो होगी, एक्सटर्नल लेंथ जो है वो इक्वल होगी एक्सटर्नल पॉइंट्स की। एज इट इज़ BP इज इक्वल्स टू BQ। दिस इज़ BP एंड BQ, इन दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। एज इट इज़ हमारा CR इज इक्वल्स टू CQ। CR इज इक्वल्स टू CQ, इसे हम इक्वेशन थर्ड देंगे। सेम एज इट इज़ DR इज इक्वल्स टू DS, इसे हम देंगे इक्वेशन फोर। और जब हम इन सारे इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा AP प्लस BP। हम ऐसे अब इनको एक साथ, पूरा लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ अरेंज करेंगे और राइट हैंड साइड को एक साथ अरेंज करेंगे। इनको अरेंज करने के बाद हम जो सेम टर्म्स हैं उनको साथ में ऐसे कर लेंगे। साथ में करने से हमें ये मिलेगा, और इसे ऐड करने पर देखिए, यहाँ से AP प्लस BP, यहाँ पे क्या कॉमन है? P, तो क्या हो गया हमारा? AB। ये देखिए क्या बन गया, इन दोनों से AP प्लस BP क्या बना हमारा? ये बन गया AB। ऐसे हम जब इन सब को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से CD, यहाँ से मिलेगा हमें AD प्लस यहाँ से मिलेगा BC। इस तरीके से हमारी थ्योरम में हमें जो प्रूव करना है वो हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर XY एंड XY आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू सर्कल X विथ सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विथ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड XY एट B। प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए अब हमें यहाँ पे एक फिगर दिया है, ये है सर्कल, ये इसकी टेंजेंट्स हो गई। जब हम इनको जोड़ेंगे, जॉइन करेंगे, यहाँ से ये देखिए ये हो गई टेंजेंट, ये भी एक हमारी। हम यहाँ से जब इनको, बीच में हमारा डायमीटर है, यहाँ से जब हम इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे, ये हमारी रेडियस हो गई। तब देखिए हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है? एंगल A, हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है? एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कि हमारा ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री है। पहले देखेंगे XY एंड XY आर टू टेंजेंट्स, XY एंड X1 Y1 आर टू टेंजेंट्स, इनको हम नाम दे देते हैं। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, AP इज इक्वल्स टू AC है क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, यहाँ टेंजेंट्स दी है, उनके पॉइंट्स हैं। OP इज इक्वल्स टू OC, OP इज इक्वल्स टू OC, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारी? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। OA इज इक्वल्स टू OA कॉमन, ये OA ये कॉमन है दोनों में, ये दोनों में कॉमन है साइड, ओके। इन ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOC बाय साइड थ्योरम, ओके। इन एंगल PAO इज इक्वल्स टू एंगल CAO, PAO इज इक्वल्स टू एंगल CAO बाय CPCT, ओके। एज इट इज एंगल PAC इज इक्वल्स टू ट्वाइस CAO,
CAO का ट्वाइस करेंगे हम, तो हमें मिलेगा एंगल PAC। ओके, ये देखिए यहाँ पे ट्वाइस हो रहा है, दो एंगल्स बन रहे हैं हमारा, ये भी और ये भी। यहाँ से हमने इसे इक्वेशन वन दे दिया। सिमिलरली अब हम यहाँ से जब एंगल लेंगे QBC, वो किसका ट्वाइस है, ये देखिए यहाँ पे भी ये दो हैं, तो क्या हो गया ट्वाइस OBC। इसे हम इक्वेशन सेकंड दे देंगे हमारे। नाउ एडिंग बोथ द इक्वेशंस वी गेट, इक्वेशन वन एंड टू को हम जब प्लस करेंगे तो हमें मालूम है एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल QBC। ये दोनों कितना है, एक ही लाइन पर है, तो ये 180 डिग्री हो गया हमारा, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री हो हैं, तो 180 डिग्री हो जाएंगे और हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। और इन दोनों को हम प्लस करेंगे जब, तो हमारे पास 180 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन निकाल लेंगे, एंगल OAC प्लस एंगल OBC, ये 2 हमारा यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से कट करने पर हमारे पास बचेगा 90 डिग्री। देन इन ट्रायंगल AOB वी हैव इन एंगल, इन ट्रायंगल AOB हमारे पास क्या है, एंगल AOB प्लस एंगल OAC प्लस एंगल OBC। जब हम इन सबको ऐड करेंगे, इसका इक्वल्स है 180 डिग्री, तो हमें एंगल AOB की वैल्यू निकल आएगी 180 डिग्री। ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा प्रूफ कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सब्सटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसका सेंटर O है, यहाँ से ये हमारी दो रेडियस हैं A एंड B। जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे यहाँ, तो ये देखिए इस तरीके से आपके पास में एक टेंजेंट्स को जब करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा OAPB। ओके, देखिए PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, PA एंड PB दिस बोथ आर टेंजेंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स OA परपेंडिकुलर AP एंड OB परपेंडिकुलर BC। ओके, इन एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये देखिए एंगल OAP एंड एंगल OBP, ये दोनों क्या हैं हमारे पास 90 डिग्री के, क्योंकि बोथ क्या है, रेडियस है एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पी इन क्वाड्रिलेटरल OAPB। देखिए यहाँ से अब हम सारे एंगल्स को जब प्लस करेंगे तो हमें मालूम है क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है हमारा 360 डिग्री। जहाँ हमें OAP की वैल्यू मालूम है, OBP की वैल्यू मालूम है, हम दोनों की वैल्यू रख देंगे। जब इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखेंगे 180 डिग्री हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हमारे पास एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 36 डिग्री माइनस 180 डिग्री होगा, तो हमारे पास 180 डिग्री बचेगा, जो कि क्या है हमारा, क्या बन गया, सप्लीमेंट्री एंगल। हैंस एंगल ABP एंड एंगल AOB आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इन अ रोम्बस। अब ये देखिए यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया है, जब हम इस पे ये इस तरीके से टेंजेंट्स बनाएंगे, टेंजेंट्स बनाने के बाद यहाँ से इसे इसका, ये देखिए ये इसके सेंटर से हमने दो डायमीटर्स, दो रेडियस ले ली, यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट से टच कर दिया, और यहाँ से देखिए ये आपका डायमीटर हो गया। देन वी हैव अ पैरेललोग्राम ABCD विच सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विच सेंटर OPQRS। देखिए ये OPQRS,
जब आप इस तरीके से इसे ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास में एक रोम्बस जैसा फॉर्म हो जाएगा। ओके, आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट बाय साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली इन ट्रेंगल ओ आर सी एंड एंगल एंड ट्रेंगल ओ एस ए ओ आर सी ओ आर सी एंड ओ एस ए। ये देखिए, ये जब हमारे इसको हम कर रहे हैं तो ईच एंगल जो है वो कितने का हो रहा है, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओ सी इज इक्वल्स टू ओ ए, ओ सी इज इक्वल्स टू ओ ए, बोथ रेडियस ऑन द सेम सर्कल, देयर फोर ओ ट्रेंगल ओ आर सी इज कॉन्ग्यूरेंट टू ट्रेंगल ओ एस ए बाय राइट हैंड साइड कॉन्ग्रेंस। आर सी इज इक्वल्स टू ए एस, इसे हम इक्वेशन वन दे देंगे। डी आर इज इक्वल्स टू डी एस, हम इसे इक्वेशन सेकेंड दे देंगे। ये बायसिपिसिटी है और ये टेंजेंस फ्रॉम द पॉइंट है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद देखिए, आर सी प्लस डी आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस, यहाँ से एस एस कॉमन है तो इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा ए डी, यहाँ आर आर कॉमन है तो ये हो जाएगा हमारा डी सी। ओके, देखिए जब हम इसे निकालेंगे ये हो जाएगा डी सी इज इक्वल्स टू ए डी, जहाँ ए बी इज इक्वल्स टू डी सी एंड डी ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, बिकॉज ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस एंड प्रूवड। तो यहाँ से हमारा ए बी सी डी जो है वह एक रोम्बस है, ये प्रूव हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्सटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल सेम एज इट इज़ ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे। ओके, यहाँ हमने इसका डायमीटर लिया, वहीं सेंटर से हम इसे टू पार्ट्स में कट कर लिया, आर पी आर एंड क्यू एस। ये डॉटेड लाइन से भी हमने पूरा उसे कट करके बता दिया। ये सारे इसके साइड्स के एंगल्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, गिवन क्या है हमें, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, दिस इज़ योर ओ सेंटर ऑफ द सर्कल, इज इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री। एज इट इज़ हम इधर का लेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी ओ सी प्लस ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन एंगल ए ओ पी एंड ट्रेंगल ए ओ एस, ए ओ पी ए ओ पी एंड ट्रेंगल ए ओ एस, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा 90 डिग्री का है, सेंटर है। तो ओ एस इज इक्वल्स टू ओ आर जो कि हमारा रेडियस के साइड्स हैं, देन ओ ए इज इक्वल्स टू ए कॉमन है हमारा, ए एस इज इक्वल्स टू ए पी बाय थ्योरम 2 जो हमने 10.1 के पहले थ्योरम पढ़ी है कि वो उसके साइड्स हो गए। देन ट्रेंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रेंगल ए ओ एस बाई साइड 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 कॉन्ग्रेंस। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8 इक्वेशन 1, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वेशन 2, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5 इक्वेशन 3, एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7, दिस इज 4th इक्वेशन। नाउ इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को ऐड करेंगे तो वो हमारा होगा उसका टोटल 360। देन हमारे पास क्या है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ये देखिए इस तरीके से जब हम एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री लेते हैं कंप्लीट एंगल, तो अब हमें यहाँ से पता है 1 इज इक्वल्स टू 8, 2 इज इक्वल्स टू 3,
फोर इज इक्वल टू फाइव, सिक्स इज इक्वल टू सेवन, जब हम वो सब वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो पुट करने पर हमारे पास आएगा एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अ ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ये देखिए हमें ये गिवन है सर्कल, यहाँ से देखिए यहाँ जब हम इसके ये टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ करने के बाद हमने इसके सेंटर्स से इनको इनके कॉर्नर्स को जॉइन कर लिया, देन इस तरीके से हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए। दिस इज अवर सेंटर ओ, ओके। बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, चूँकि हमें दे रखा है बी डी कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर एंड डी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। बी ई इज इक्वल टू बी डी, ये बी ई इक्वल्स टू बी डी बिकॉज बोथ द साइड्स हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। ए ई इज इक्वल टू ए एफ, ए ई इज इक्वल्स टू ए एफ कितना है ये हमें मालूम नहीं है, गिवन नहीं है, तो हम इसे क्या ले लेंगे, x सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल्स टू हो गया एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर, देन एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। हमें पता है हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज़ रख देंगे, वैल्यूज़ रखने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, अंडर रूट साइड एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस देखिए यहाँ पे हम इनकी जब वैल्यूज़ रखेंगे, वैल्यूज़ रखने के बाद यहाँ आ जाएगा x प्लस 14, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6। जब यहाँ पे हम ये यहाँ से x प्लस 14 ये इसकी वैल्यूज़ रखते जाएंगे, तो वैल्यूज़ रखने के बाद हमारे पास ये मिलेगा। जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये होगा, इसे हम इक्वेशन 1 देंगे। अगेन अब हम एरिया निकाल रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ट्रायंगल ओ सी ए, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो हम यहां से इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। हमें इसका फॉर्मूला पता है, हम क्या करेंगे पहले इसका एरिया निकालेंगे, तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू ए प्लस 1/2 4 मल्टीप्लाई बाय बी साइड प्लस 1/2 4 मल्टीप्लाई बाय सी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 4 एक्स प्लस 14, जिसे हम इक्वेशन सेकंड दे देंगे, ओके। फ्रॉम 1 एंड 2, अब देखिए यहाँ इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को हम जब इक्वल में लिखेंगे तो हमारे पास में इस तरीके का पूरा सॉल्व करने पर आंसर आएगा x इज इक्वल टू 7 हमें मिलेगा, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 8, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे 15 सेंटीमीटर आ गया, ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 6 है, तो हमारा हो जाएगा 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। थैंक यू।